नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में युवा महोत्सव का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। खिलाड़ी देश एवं विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं इस महोत्सव में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ये महोत्सव 14 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस बार जैसा अभी रेखा जी ने बताया, नौजवानों को युवाओं के हित में, राज्य के हित में बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारे कानून बनाए। अभी आप देख रहे थे कि पिछले दिनों भर्ती घोटाले हुआ करते थे। मैं जब भी नौजवानों के बीच में आता हूँ, युवाओं के बीच में आता हूँ, विद्यार्थियों के बीच में आता हूँ, तो मुझे अपना बचपन हमेशा स्मरण में आता है। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के दिन हमेशा ध्यान में आते हैं, हमेशा उनका स्मरण होता है कि किस प्रकार से एक नौजवान के सामने कितना बड़ा संघर्ष होता है, उसको भविष्य की किस प्रकार की चिंता होती है, किस प्रकार उसके जीवन का असमंजस होता है। 9 नवंबर से जिस दिन हमारी रजत जयंती है उसी दिन से युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक लगातार संचालित रहेगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिभाग रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। हमारे नयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों का प्रतिभाग है और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े महानुभाव भी यहाँ पर जो है अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके साथ ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित करा है, तो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में काम करते हैं, स्पोर्ट्स को करियर बनाने के दृष्टिकोण से, स्पोर्ट्स में साइंस किस तरीके से उपयोग हो सकता है उसके बारे में भी लगातार जो है वो सेशन चलने वाले हैं। तो बहुत ही उपयोगी जो है ये 5 दिन हमारे होने जा रहे हैं। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जो युवा महोत्सव 2024 आयोजित हो रहा है उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में, क्या उसका मकसद है और किस तरीके की व्यवस्थाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के लिए की गई हैं? जी बिल्कुल दिव्या, उत्तराखंड सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि उत्तराखंड अब 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व का नारा लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। और ऐसे में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अब इस खेल महोत्सव का आयोजन राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें तमाम जो चाहे खेल से जुड़े हुए युवा है, जिन्होंने स्वरोजगार के क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने पलायन रोकने के क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है, संस्कृति, साहित्य, कला के संवर्धन में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो तमाम युवा जो है, तमाम महिलाएं जो है, वो अब राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और वहां से कहीं ना कहीं युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं उदाहरण, आज शाम को पांडवास बैंड की यहाँ पर प्रस्तुति होनी है, तो निश्चित रूप से क्योंकि पांडवास जैसे संस्कृति के काम में क्षेत्र में काम किया है, पवनदीप राजन की प्रस्तुति होनी है, पवनदीप राजन उभरते हुए कलाकार हैं। इसी के साथ ही खेल के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं ने यहाँ पर प्रतिभाग करना है। इसी के साथ ही मोटिवेशनल कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, मोटिवेशन कि युवा किस प्रकार से अपने बेहतर भविष्य की तलाश कर सके, किस प्रकार से युवाओं को एक बेहतर दिशा प्रदान की जाए, उस क्षेत्र में एक बेहतर कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर एक संभव प्रयास उत्तराखंड सरकार कर रही है और उसी के दृष्टिगत ये कार्यक्रम राजधानी देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ हिमांशु, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। और उत्तराखंड में 50 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को साल 2030 तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा। सड़कों पर दुर्घटना रोकने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर समग्र नीति बनाई जाएगी। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में राज्यवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं की।
कार्यक्रम में सीएम धामी ने सबसे पहले अल्मोड़ा बस दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार और इंजीनियरों की जिम्मेदारी तय करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उन्हें पुरस्कार के लिए नियत धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि महिलाओं के लिए महिला नीति जल्द जारी होगी। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए सीएम जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता देने के लिए कार्रवाई शुरू होगी। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, कौन सी वो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिनकी सौगात मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी है राज्य स्थापना दिवस के मौके पर? जी बिल्कुल दिव्या, कल ही हमने अपना 24वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है और 25वें वर्ष में जब उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है तो ऐसे में रजत जयंती वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा और एक साल तक इसमें बृहद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री प्रोफेसर सिंह धामी की एक जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा कल हुई थी कि 50 से अधिक जो आबादी वाले गाँव है उनको सड़क मार्गों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है। तमाम यहाँ पर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां विषम है। छोटे छोटे कस्बों में लोग रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में लोग रहते हैं, कहीं पर 10 का परिवार है, कहीं पर 20 का परिवार है, कहीं पर 30 का परिवार है। तो निश्चित रूप से ऐसे गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो घोषणा है वो एक कारगर साबित होगी और 2030 तक ऐसे गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 6 साल के भीतर लगभग पूरा प्रदेश जो है वो सड़क के जाल में बिछ जाएगा और जो छोटे छोटे गाँव है वहां पर भी जो है सड़क कनेक्टिविटी, एक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी, उस पर लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार काम कर रही है और ये घोषणा है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ये महिला प्रोत्साहन योजना जिसके तहत की, क्योंकि हम अमूमन आए दिन ऐसी बातें सामने आते हैं कि महिलाओं को प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु हो गई है, बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में महिलाओं की किस प्रकार की जो है असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल ये घोषणा की है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको प्राप्त धनराशि के बराबर ही धनराशि उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी, जिससे वो आने वाले समय में बेहतर कार्य कर सके और तमाम और भी घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और कहीं ना कहीं ये योजनाएं, क्योंकि लगातार दोनों ही इस बात को कहते हैं कि 2025 तक भारत को का अग्रणी राज्य उत्तराखंड को बनाने हैं, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ऐसे में तमाम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और उनको बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठेकेदार और इंजीनियर की जो है जिम्मेदारी नियुक्त की जाएगी, पहाड़ों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, तमाम योजनाएं उनके लिए क्रियान्वयन की जा रही है और कल ही जिस प्रकार से घोषणा हुई है और निश्चित रूप से इन घोषणाओं को आगामी रूप में हम धरातल पर देखेंगे और निश्चित रूप से इस पर बेहतर कार्य होगा। अच्छा हिमांशु, यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से घोषणा तो कर देती है लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो अधिकारी कहीं ना कहीं हिलावाली करते नजर आते हैं। आपने कहा जिम्मेदारियां इंजीनियर और ठेकेदारों की तय की जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ, लापरवाही बढ़ती गई, तो क्या कार्रवाई के भी प्रावधान है इसमें? जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। अधिकारियों पर को फटकार लगाने में वो कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। सचिवालय में लगातार समीक्षा बैठक वो करते रहते हैं, अपने विभागों से हो या अन्य विभागीय मंत्रियों के विभागों से संबंधित समीक्षा बैठक वो लगातार करते रहते हैं और ऐसे में अगर मंत्री जो अधिकारी है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है और कोई भी स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कोई भी
अधिकारी राज्य के विकास कार्यों में बाधाएं डालेगा या अपने कार्यों को ढंग से नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और निश्चित रूप से उस जो वो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेदार स्वयं जो है अधिकारी होगा और उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून से लेकर गैरसैंण तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सहित दिग्गजों का जमावड़ा लगा और सभी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इधर स्थापना दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यवासियों को बधाई तो दी, लेकिन सरकार से कई सवाल भी किए। उत्तराखंड का गठन जिस मकसद के साथ किया गया था वो पूरा हुआ है या नहीं, इसे लेकर आज भी सवाल उठते हैं। ये रिपोर्ट देखें। आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और अब उत्तराखंड युवा उत्तराखंड हो गया। हर एक वर्ष राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों का बड़े स्तर पर आयोजन होता है, लेकिन इस बार अल्मोड़ा हादसे की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सभी क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तेजी से मजबूत हो रहा है। आज शहर से लेकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देवभूमि रजत उत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों से भी अपील की। उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसी बोलियां सिखाएं। प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमी उत्तराखंड वासी हैं। यहां की हर महिला मां नंदा का स्वरूप है। एक पेड़ मां के नाम लगाएं, नदी नालों का संरक्षण करें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लोग अपने गाँव लगातार जाएं, अपने गाँव के पुराने घरों जिन्हें आप टिबरी वाले घर कहते हैं उन्हें भूले नहीं। यहाँ होम स्टे बनाए जिससे आपकी आय और रोजगार बढ़ेगा। पर्यटकों से पीएम मोदी ने कहा कि जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, तो स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी वहाँ भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों की तरफ से उत्पादित प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। सरकार के प्रयास से उत्तराखंड के लोगों का, विशेषकर राज्य की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन भी आसान बन रहा है। उत्तराखंड में 2014 से पहले 5% से कम घरों में नल से जल आता था, आज ये बढ़कर करीब करीब 96% से ज्यादा अधिक हो चुका है। करीब करीब 100% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 6000 किलोमीटर की पीएम ग्राम सड़क बनी थी, 6000 किलोमीटर। आज इन सड़कों की लंबाई बढ़कर 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। और मुझे मालूम है पहाड़ों में सड़कें बनाना कितना बड़ा कठिन काम होता है और कितनी बड़ी जरूरत होती है। उत्तराखंड में
लाखों शौचालयों का निर्माण करके, हर घर बिजली पहुंचाकर, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देकर, हमारी सरकार हर वर्ग, हर आयु के लोगों की साथी बनकर काम कर रही है। एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ से विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि आज भी ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर ना तो सरकार काम कर पा रही है और ना ही कोई उसका ठोस समाधान अब तक निकल पाया है। बात चाहे स्थायी राजधानी की हो या फिर राज्य के विकास के लिए ठोस निर्णय लेने की। विद्युत बनाने वाला ये प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश, यहाँ विद्युत अगल बगल के राज्यों से महंगी है, हमारी बिजली महंगी है। आंदोलन करने वाले लोगों ने क्या क्या सपने देखे थे, खेल हमारा, गांव हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, हमारी संस्कृति, लेकिन बुराड़ी में केदारनाथ बनाने की कोशिश, पंच केदार का छठा केदार बना रहे थे, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ जी, उसका प्रतिरूप बुराड़ी में बना रहे थे, बर्फानी बाबा को लू में ले जाने की कोशिश हो रही थी और कांग्रेस को आंदोलन करना पड़ा, लगभग 300 किलोमीटर की पदयात्रा गंगा जी के तट से, हर जी की पौड़ी से हमको केदारनाथ तक यात्रा निकालनी पड़ी ताकि सरकार को आईना दिखा सके। जोशीमठ बर्बाद हुआ, जोशीमठ से लगा हुआ चमोली में 17 लोग करंट से मर गए, लेकिन सरकार नहीं पसी जी। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, सालों लग जा रहे, मलबा हटाने में सालों लग जा रहे, ये किस तरीके का उत्तराखंड राज्य बनाया। हम चाहते थे राज्य में विधानसभाएं लंबी चलें ताकि जनसरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठ सके, लेकिन दुर्भाग्य आज जितनी मिनिमम दिन विधानसभा चलनी चाहिए उतना भी नहीं चल रहा है, 4 दिन 5 दिन चलाकर इतिश्री कर ली जा रही है। और सरकार कहती है बिजनेस नहीं है, बिजनेस लाने का काम सरकार का है और जनसरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे विधानसभा में उठे इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 वर्ष हो चुके हैं और 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मुश्किल है, जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए। कई ऐसे इलाके हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पेयजल समस्या है और कुछ गाँव तो ऐसे हैं जो वर्षों से सड़क की मांग को लेकर वोट बहिष्कार तक कर चुके हैं, लेकिन आज तक सड़कें नहीं बनी है। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है, लिहाजा कोई एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार हो ऐसा भी नहीं है। ऐसे सवालों पर विचार करने की जरूरत है, आखिर कब तक यूं ही लोग जिंदगी जीते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राज्य स्थापना दिवस पर युवाओं ने बेरोजगार संघ की अध्यक्षता में सीएम आवास का कूच किया। सैकड़ों की संख्या में युवा राजधानी के गांधी पार्क में एकत्रित हुए। यहां से युवाओं की भीड़ ने सीएम आवास कूच के लिए हुकार भरी। इस दौरान उन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने और महिलाओं की स्पेशल सीट लाकर भर्ती में 500 पद बढ़ाने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारी युवाओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रही। इस मौके पर युवाओं ने करो या मरो रैली का ऐलान भी किया। हमारी मुख्य दो मांगे थी कि भाई आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें आप जो है उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, सभी राज्यों ने बढ़ाई है, आप भी बढ़ा दीजिए। हम इनसे ये मांग कर रहे हैं कि साल 2016 से महिलाओं की भर्ती नहीं आई है पीएससी और आपका सिविल में, आप 500 सीट अतिरिक्त उसमें जोड़कर महिलाओं की स्पेशल भर्ती निकाल दीजिए, इसी भर्ती में क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन आज हम यहाँ पर हैं और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। देखिए डीजीपी की तरफ से मैं आश्वासन मिला था और वो फाइल जो है सचिवालय पहुंच भी गई है, लेकिन सचिवालय में बैठे निकम्मे अधिकारी इतने मतलब ढीठ हो चुके हैं कि वो एक फाइल में साइन नहीं कर रहे। अगर सचिवालय में बैठे अधिकारियों ने फाइल में तुरंत साइन कर दिए होते तो आज हमें ये रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो प्रदेश के युवाओं के लिए चारों तरफ से पुलिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ग्राउंड को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सचिवालय में जो अधिकारी हैं वो बड़े ढीठ हैं, उनको काम करना चाहिए और अगर उनको काम करना नहीं आता तो काम करना ये प्रदेश के युवा उनको सिखाएं।
बद्रीनाथ धाम में सर्द हवाओं और ठंड के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मंदिर के कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 13,50,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। उत्तराखंड के कई जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का दल बद्रीपुरी में मां अलकनंदा नदी के तट पर कार्तिक स्नान का पुण्य लाभ कमा रहा है। वहीं 3 दिनों के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के लिए पंच पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 17 नवंबर को मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। और संजय कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी चाहेंगे इस वक्त मौसम कैसा बद्रीनाथ में बना हुआ है, क्योंकि जल्द ही बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं, तो श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह और माहौल है? दिव्य जी, देखिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने में अब महज कुछ दिनों का समय शेष है और आज अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह से सर्द हवाओं के बीच जो है गुनगुनी धूप खिली और ब्रह्म मुहूर्त से ही सिंहद्वार के आगे अभी भी 1 से 1.5 हजार श्रद्धालु जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए। और लगभग इतनी ही भीड़ जो है अलकनंदा नदी के तट पर जो है कार्तिक स्नान का जो है जो पवित्र कार्तिक स्नान का जो यहाँ पे एक जी यहाँ पे अभी काफी भीड़ लगी हुई है। और अगर बात जो कल शनिवार को लगभग 8,500 श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे और अब तक अगर कपाट खुलने से लेके आज तक का अगर आंकड़े पे नजर डाली जाए तो ये आंकड़ा 13,50,000 को पार कर चुका है। और अभी जबकि 1 हफ्ते का समय बाकी है भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने में, तो BKTC का जो अंदाज लगाया जा रहा है कि 15 लाख का जो आंकड़ा है इस बार भगवान बद्री विशाल के धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का है वो पार कर सकता है। इस बीच जो पंच पूजा को लेकर तैयारियां हैं वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। 13 तारीख को जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की वैदिक जो पंच पूजाएं जो है वो शुरू की जाएंगी, इसको लेकर के मंदिर प्रशासन ने लगभग तैयारियां जो है अंतिम चरण में है जी। अच्छा संजय, आपने कहा 1 हफ्ते का वक्त भी शेष है कपाट बंद होने के लिए, ऐसे में सर्द हवाएं चल रही है, मौसम थोड़ा बदल सा गया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है? जी देखिए, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद ही यहाँ पे कड़ाके की सर्द और शीतलहर चलती है, लेकिन जो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद बद्रीनाथ मंदिर समिति और जो नगर पंचायत बद्रीनाथ है उसने पूरी तरह जो है तिराहे पे चौराहे पे और ब्रह्म कपाल के आसपास अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि गर्म कपड़ों के साथ जो है जो सुबह यात्री दर्शन के लिए आते हैं स्नान के बाद तो गर्म कपड़ों के साथ जो है स्वेटर आदि की भी जो है साथ में लाने की हिदायत दी जा रही है। पूरी तरह से सूर्योदय के बाद जो है गुनगुनी धूप खिली हुई है और श्रद्धालु लगातार सिंह द्वार से होकर के बिल्कुल पंक्तिबद्ध होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ कमा रहे हैं। और अधिकतर अब की बार जो 13 जनपद है उत्तराखंड के, तो जनपद उत्तराखंड के 13 जनपदों के जो स्थानीय जो श्रद्धालु हैं वो विशेषकर आजकल जो है कार्तिक स्नान का पावन महीना चल रहा है तो कार्तिक स्नान के लिए सबसे अधिक लोग उत्तराखंड से ही पहुंच रहे हैं जी बद्रीपुरी जी। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।